लेट अस स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बी 1.7 टाइम्स इट्स स्पीड एट एनटीपी। आपको पूछा है कितने टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड ये 1.75 टाइम्स होगा एट एनटीपी। तो मतलब V2 ये क्या होगा 1.75 टाइम्स ऑफ V1, करेक्ट बराबर। एट व्हाट टेम्परेचर मतलब कितने टेम्परेचर पे, मतलब क्या फाइंड करना है T2 और क्या दिया हुआ है T1। व्हाट इज नॉर्मल टेम्परेचर? NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो व्हाट इज नॉर्मल टेम्परेचर? नहीं पता? नहीं पता? 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। डू यू रिमेम्बर V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा P बाय रो, लेकिन तुमने P बाय रो की जगह पे तुम लिखते हो, याद है क्या? RT बाय M, याद है? नहीं याद है? तो तुम यहाँ लिखते हो गामा P बाय रो, फिर तुम रो को बोलते हो मास अपॉन वॉल्यूम, फिर पीवी को लिखते हो NRT। तो पीवी को आप लिखते हो NRT, ये वॉल्यूम है, ये वी है। तो गामा NRT, N इज नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो हो गया, ये बन गया फॉर्मूला। तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो फिर V2 बाय V1 क्या आएगा? क्या आएगा? T2 बाय T1 का स्क्वायर रूट, सही है? तो अभी V2 बाय V1 तुमको दिया हुआ है। व्हाट इज V2 बाय V1? व्हाट इज V2 बाय V1? 1.75। ओके, तो V2 बाय V1 इज 1.75। तो V2 बाय V1 इज रूट ऑफ T2 बाय T1 स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये 1.75 है, रूट ऑफ T2 बाय T1 है। अभी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं। 1.75 का स्क्वायर इक्वल टू T2 बाय T1। T1 व्हाट इज 1.75 का स्क्वायर? कितना होता है? नहीं पता? कोई बात नहीं, 1.75 को 3.5/2 लिख सकते हैं क्या हम लोग? लिख सकते हैं ना। का स्क्वायर कितना होता है? हाँ, 3.5 का स्क्वायर, कोई भी नंबर अगर आखिरी में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे करते हो? इधर 25 लिखते हो, इसको अगले नंबर से 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 35 का स्क्वायर कितना आएगा? 1225। तो 3.5 का कितना होगा? 12.25। तो 12.25, 3.5 का स्क्वायर कितना है? 12.25। 2 का स्क्वायर कितना है? 4। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? क्या लिखोगे? 12.25/4 टाइम्स ऑफ T1। हो गया। T1 की वैल्यू कितनी है? T1 की वैल्यू कितनी है? कितनी है? 273। करो सॉल्व, क्या आंसर दिया हुआ है? 7 नंबर क्वेश्चन, 563 डिग्री सेल्सियस। देखो 12.25, 12.25 डिवाइड बाय 4 कितना आया? 3.0625। मल्टीप्लाई का क्या करोगे? 273। मल्टीप्लाई का क्या कर लिया? 273। कितना आया? 836। लेकिन ये किसमें है? केल्विन में है। माइनस कितना करते हो? 273। कितना आया आंसर में? क्या दिया है? हो गया। तो ये केल्विन में अगर लिखोगे, केल्विन में लिखोगे तो 836 केल्विन है, और डिग्री में लिखोगे तो कितना है? 563 डिग्री सेल्सियस। हो गया क्वेश्चन सॉल्व।
वन मोर क्वेश्चन बिफोर वी स्टार्ट डॉपलर इफेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है अगला और इजी है, बट यू हैव टू नो व्हाट इज इको फर्स्ट एट। अच्छा ये तो हो गया, तो एक क्वेश्चन और, एट नंबर क्वेश्चन होना चाहिए था 10 मिनट, तो एट नंबर का क्वेश्चन आना चाहिए था यहाँ पे। आई जस्ट पुट क्वेश्चन नंबर एट हियर, गिव मी अ मिनट। क्वेश्चन नंबर एट, एट ओके चलो। मैन स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल इलिप्स, इलिप्स नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्लिक होता है। अ मैन स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल क्लिप्स, तो वो क्लिफ है। अभी क्लिफ के बारे में बताता हूं मैं, लेकिन ये क्लिफ है, इट इज नॉट इलिप्स, इट इज क्लिप्स। फायर्स अ गन, तो अ मैन हु इज स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल क्लिप्स फायर्स अ गन, ही हियर्स, हर्न्स भी नहीं होता है, ही हियर्स होता है, ही हियर्स टू इकोस, वन आफ्टर 3 सेकेंड्स एंड द अदर आफ्टर 5 सेकेंड्स। द सेपरेशन बिटवीन द टू क्लिप्स इज 1360 मीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड। तो अभी ये क्लिप मतलब क्या, अगर आपको पता होगा, पता तो होगा ही, देर आर सम हिल्स और एक साइड एकदम से ही ऐसा होता है, पहाड़ होता है, एक साइड जो है एकदम पैरेलल होता है, मतलब वर्टिकल होता है। माउंटेनियरिंग जो लोग करते हैं उनको पता होगा। हाँ, तो अ मैन, देयर इज अ मैन स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल क्लिप्स, तो ये क्लिप C1 है और ये क्लिप यहाँ पे दूसरा क्लिप ले लेते हैं C2 है। फायर्स अ गन, तो गन फायर किया, तो गन फायर विल जनरेट साउंड, तो क्या होगा, दो इको सुनाई दी, क्योंकि एक केस में साउंड पहले क्लिप से रिफ्लेक्ट होके आएगा, पहले क्लिप से रिफ्लेक्ट होके आएगा, और दूसरे केस में दूसरे क्लिप से रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो एक इको जनरेट हुआ पहले क्लिप की वजह से, 3 सेकंड के बाद यहाँ पे आया, और दूसरे केस में 5 सेकंड के बाद आया, और आपको बोला है डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1360 मीटर। क्वेश्चन समझ में आया यहाँ पे, दो क्लिफ, क्लिफ मतलब हिल होता है, सिर्फ उसका स्लोप ज्यादा होता है, बट ऑलमोस्ट वर्टिकल। तो फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई एम द पर्सन हु इज स्टैंडिंग विद गन इन माई हैंड, ये एक साइड का बॉल, एक क्लिफ है, दूसरे का बॉल दूसरा क्लिफ है, एंड आई फायर, तो जो साउंड जनरेट होगा वो जाएगा, रिफ्लेक्ट होके आएगा फर्स्ट इको, रिफ्लेक्ट होके आएगा सेकेंड इको, और दोनों का डिस्टेंस आपको दिया है 1360 मीटर। पूछा क्या है, क्या पूछा है, व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। अभी देखो फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, उसका रीजन ये है, फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, उसका रीजन ये है कि पहले तुम क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ो, क्या पूछा है वो देखो, क्या पूछा है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, मतलब आपको फाइंड करना है स्पीड, तो इमीडिएटली इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस तो हमको पता है दो क्लिक का, सिर्फ टाइम फाइंड करना है, कौन सा टाइम, टाइम टेकन बाय द साउंड टू गो फ्रॉम क्लिफ 1 टू क्लिफ 2, क्योंकि तुम डिस्टेंस इतना यूज कर रहे हो क्लिफ का, दो क्लिफ का, तो फिर तुमको अगर स्पीड ऑफ साउंड चाहिए तो साउंड पहले क्लिप से दूसरे क्लिप तक कितने टाइम में पहुंचा ये फाइंड करना पड़ेगा, बराबर ना, सही है कि नहीं। वापस अच्छे से थोड़ा सा सोचो समझो, मैन था, गन फायर किया, इको आया, दो आए, 3 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद, ठीक है वो सब ठीक है, वो कहाँ यूज करना है देखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू क्लिप दिया है, यस, क्या पूछा है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो वो फाइंड करने के लिए मैं डिस्टेंस यूज कर सकता हूँ क्या, यस।
अगर ये डिस्टेंस यूज कर रहे हो तो टाइम क्या चाहिए आपको, टाइम ऑफ साउंड टू गो फ्रॉम क्लिप वन टू क्लिप टू। अब ये कैसे फाइंड करते हैं फिर, तो दैट इज समथिंग वी विल सी। तो डिस्टेंस दिया हुआ है 1360 मीटर, टाइम फॉर द फर्स्ट इक्वल 3 सेकेंड्स, टाइम फॉर द सेकेंड इक्वल 5 सेकेंड। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं, सिंस टाइम फॉर फर्स्ट इको T1 इज 3 सेकेंड्स, देयरफॉर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इको, साउंड जाएगा रिफ्लेक्ट होके वापिस आएगा। तो ये जो T1 है यहां साउंड गया और वापिस आया, तो सिर्फ साउंड जब गया तो कितना टाइम लगा, 1.5, आधा। देयरफॉर टाइम टेकन फॉर द साउंड टू रीच क्लिप C1 फ्रॉम पर्सन इज हाफ ऑफ T1, मतलब 3/2, मतलब 1.5। सिमिलरली टाइम टेकन बाय द साउंड टू रीच क्लिफ C2 फ्रॉम द पर्सन, सेकेंड केस में साउंड गया और आया कितना टाइम लगा, 5, तो सिर्फ गया 2.5, तो T2/2 मतलब 5/2, मतलब 2.5 सेकेंड्स। क्लियर आता, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100% बराबर। तो पर्सन से C1 तक कितना, 1.5, पर्सन से C2 तक कितना, 2.5। तो C1 से पर्सन तक कितना, पर्सन से C1 1.5, तो C1 से पर्सन कितना, और पर्सन से C2 कितना, तो C1 से C2 कितना, 4, 1.5 प्लस 2.5। Therefore, साउंड टेक्स टेक्स 1.5 प्लस 2.5 सेकेंड्स टू रीच फ्रॉम C1 टू C2। Therefore, टाइम टी इक्वल टू 4 सेकेंड। मिल गया, टाइम मिल गया, यस। डिस्टेंस पता था तुमको, यस। तो देयरफॉर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस, 1360 अपॉन 4, पता है कितना होता है, 340 मीटर पर सेकेंड। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, समथिंग कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट। तो अभी अगले हाफ एन आवर तक सबका ध्यान यहाँ पे, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगला टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट। अभी जो डॉपलर इफेक्ट है ये साउंड में भी होता है और ये लाइट के लिए भी होता है, मतलब साउंड वेव और लाइट वेव दोनों के लिए होता है। लेकिन जो कि हम लोग साउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वी विल ओनली डिस्कस डॉपलर इफेक्ट रिलेटेड टू साउंड। ये डॉपलर इफेक्ट आप ऑलमोस्ट हर दिन एक्सपीरियंस करते हो विदाउट नोइंग कि इसको डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन अभी जैसे आप यहाँ पे बैठे हो और एक गाड़ी है जो हॉर्न बजाते बजाते इट इज कमिंग क्लोजर टू अस, पास में आ रहा है। तो हु इज सोर्स ऑफ साउंड दैट व्हीकल, हु इज द लिसनर, यू। तो जब वो पास में आएगा तो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन विद द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, क्या होता है साउंड का लाउडनेस, तुमको उतना ही सुनाई देता है कि ज्यादा सुनाई देता है, इट इंक्रीजेस। और जब वही व्हीकल तुमको क्रॉस करके गया तो इन दैट केस द इंटेंसिटी डिक्रीजेस। लेकिन रियलिटी में जो साउंड का सोर्स था उसने अपना फ्रिक्वेंसी चेंज किया नहीं,
लेकिन आपको ज्यादा सुनाई दिया या फिर आपको ही कम सुनाई दिया, डिपेंडिंग ऑन वो सोर्स आपके पास में आ रहा था कि वो सोर्स आपसे दूर जा रहा था। दोनों केसेस होते हैं। अगर सोर्स आपके पास में आए तो उस केस में इंटेंसिटी बढ़ता है, और अगर आपसे दूर जाए तो इंटेंसिटी कम होता है। और ये हमारा हर जगह का एक्सपीरियंस है। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको गाड़ी का, वैसे तुम अगर रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ट्रेन आ रहा है हॉर्न ब्लो करते करते, तो ट्रेन जैसे ही पास में आएगा आपके, तो यू हियर लाउड साउंड, अदरवाइज व्हेन इट गोज अवे यू हियर लो साउंड, होता है ना ऐसा। अगर मैं बात करते करते आपके पास आने लगा, अभी वो कह रहा है यू आर लिसनर एंड आई एम द सोर्स बिकॉज आई एम स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग, राइट। तो सिंस आप में और मुझ में देर इज नो मोशन, तो जो फ्रिक्वेंसी मेरा थ्रोट जनरेट करेगा वही फ्रिक्वेंसी तुम सुनोगे, दैट इज कॉल्ड एज रियल फ्रिक्वेंसी और एक्चुअल फ्रिक्वेंसी। लेकिन अगर मैं बात करते करते आपके पास आने लगा तो क्या होगा, धीरे धीरे तुम मेरा सुनोगे ना, आवाज ज्यादा जोर से सुनाई देगा। और अगर मैं दूर जाने लगा तो वही आवाज, दैट इज डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट इज द एपरेंट चेंज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड। एक्चुअली दोनों वेव के लिए होता है, लाइट के लिए भी साउंड के लिए, लेकिन हम साउंड पे फोकस करेंगे। डॉपलर इफेक्ट इज द एपरेंट चेंज इन फ्रिक्वेंसी। एपरेंट चेंज इन फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है? एपरेंट मतलब इट अपियर्ड, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, सिर्फ हमको ऐसा लगता है। जितना साउंड का फ्रिक्वेंसी था उतना ही है। आपको ज्यादा या आपको कम क्यों सुनाई दिया? क्योंकि सोर्स में और लिसनर में क्या है, रिलेटिव मोशन है। या तो डिस्टेंस कम हो रहा है या डिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर डिस्टेंस कम या ज्यादा नहीं होता, फिक्स रहता, तो जितना सोर्स ने इमिट किया है फ्रिक्वेंसी उतना ही तुम सुनोगे। लेकिन अगर डिस्टेंस कम हुआ तो जो फ्रिक्वेंसी सोर्स ने इमिट किया है उससे ज्यादा तुमको सुनाई देगा। अगर डिस्टेंस बढ़ा तो जितना सोर्स ने फ्रिक्वेंसी इमिट किया है उससे तुमको कम सुनाई देगा। तो व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? इट इज द अपेरेंट चेंज। अपेरेंट चेंज का मतलब होता है जो सिर्फ अपीयर होता है इन द चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड लिसनर। सो डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट इज द अपेरेंट चेंज, इज द एपरेंट चेंज इन द फ्रिक्वेंसी, इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर एंड द लिसनर। तो ये रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है? देखो ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है। जैसे अभी तुमने, अभी लाइव एग्जांपल हुआ, गाड़ी जा रही थी बाहर से हॉर्न बजाते बजाते, अभी जस्ट हुआ हो, तो लिसनर तुम हो, सोर्स मूविंग है, तो लिसनर इज स्टेशनरी, सोर्स इज मूविंग, राइट, मोशन है। उल्टा भी हो सकता है, क्लास के बाद तुम घर पे जाओगे, हो सकता है उसमें बड़ा सा स्पीकर लगा हुआ है, मतलब सोर्स फिक्स है, हु इज मूविंग, लिसनर इज मूविंग, राइट। तो भी तो रिलेटिव मोशन है ना। केस थ्री, हो सकता है दोनों ही मोशन में। फॉर एग्जाम्पल तुम जा रहे थे, तुम हॉर्न बजा रहे थे, सामने से गाड़ी आ रहा है वो भी हॉर्न बजा रहा है, बोथ आर मूविंग। तुम उसकी गाड़ी का हॉर्न सुन रहे हो तो तुम लिसनर हो, वो सोर्स है, वो तुम्हारी गाड़ी का हॉर्न सुन रहा है तो वो लिसनर है, तुम सोर्स हो, लेकिन दोनों किस में है, मोशन। तो लिसनर एंड सोर्स बोथ आर मूविंग। तो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है कि मोशन होना चाहिए। कौन मूविंग है, कौन रेस्ट पे, वी डोंट केयर। सोर्स मूविंग हो सकता है, लिसनर रेस्ट हो सकता है, लिसनर मूविंग हो सकता है, सोर्स रेस्ट हो सकता है, दोनों ही मूविंग हो सकते हैं, हो सकते हैं दोनों मूविंग। तो डॉपलर इफेक्ट कैन बी स्टडीड, डॉपलर इफेक्ट कैन बी स्टडीड, कैन बी स्टडीड अंडर अंडर डिफरेंट कंडीशंस। नंबर वन, नंबर वन, सोर्स इज मूविंग बट लिसनर इज स्टेशनरी,
नंबर टू, लिसनर इज मूविंग बट सोर्स इज स्टेशनरी। यहां ध्यान दो, नहीं तो आगे कुछ समझ में आएगा नहीं। फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, कैसे याद रखना है। नंबर थ्री, बोथ आर मूविंग, बोथ सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग, आर मूविंग। अब नॉर्मली होता क्या है कि बुक में एक फॉर्मूला लिख के दे देते हैं, कहाँ से आया, कैसे याद रखना है, पता तो नहीं है। तो अभी ध्यान दो, डॉपलर इफेक्ट में हर बुक के अलग नोटेशन होते हैं। मैं काम करूंगा, मैं एन ओ को बोलूंगा ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी। ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी मतलब जो साउंड का रियल फ्रिक्वेंसी था, राइट। और मैं एन को बोलूंगा अपेरेंट फ्रिक्वेंसी, जो तुम सुन रहे हो। जैसे अभी मैं साउंड का सोर्स हूं, मैंने फ्रिक्वेंसी अगर इमिट किया 100 हर्ट्ज, और तुम भी सुन रहे हो 100 हर्ट्ज, क्योंकि मोशन नहीं है, तो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी इज एन, जो मैंने इमिट किया, और एन जीरो, और एन क्या है, अपेरेंट फ्रिक्वेंसी, जो तुम सुन रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी 100 था एनो, मैं बोलते बोलते तुम्हारे पास में आ रहा हूं, तो तुमने 110 सुना, 110 हर्ट्ज, तो अपेरेंट कितना होगा, 110। और अब मैं बोलते बोलते तुमसे दूर जा रहा हूं, लेकिन मैं एमिट कितना कर रहा था, 100, तुमने सुना 90। तो बेसिकली होता क्या है, बेसिकली दो ही केस बनते हैं। सिर्फ फॉर्मूला याद कैसे रखना हो समझ लो। जनरल स्ट्रक्चर, जिसको मैं स्केलेटन बोलता हूँ, स्केलेटन, पता है ना स्केलेटन क्या होता है, हड्डी का ढांचा। तो स्केलेटन मतलब फॉर्मूला का जनरल स्ट्रक्चर क्या है, V V L V V S। अब इसमें टर्म्स क्या क्या है, इसमें सबसे पहला टर्म है एनओ, दैट इज द रियल फ्रिक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी एज इमिटेड बाय द सोर्स। एन इज अपेरेंट फ्रिक्वेंसी एज हर्ड बाय द ऑब्जर्वर लिसनर। व्हाट इज वी एल, वी एल इज स्पीड ऑफ लिसनर। अगर लिसनर मूविंग होगा तो वी एल इज द स्पीड ऑफ लिसनर। व्हाट इज वी एस, वी एस इज द स्पीड ऑफ सोर्स। अगर सोर्स मूविंग होगा तो वी एस इज द स्पीड ऑफ सोर्स। व्हाट इज वी, इट इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, राइट। तो फॉर्मूला हमेशा ये रहेगा, सिर्फ कभी कभी बुक में दिया होता है प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो कब प्लस कब माइनस, वो हमको देखना है। ओके क्लियर। टोटल बनते हैं 8 केसेस, बता दो कौन से कौन से। मैं सिर्फ एक काम करूंगा, ये एन जीरो को मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड है। क्लियर, पक्का। टोटल 8 केसेस बनते हैं, उसमें से हम 2 केस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे और बाकी के उनको याद रखने हैं। 8 केसेस बनते हैं, मैं पूरा टेबल ही बना दूंगा यहाँ पे, 8 केसेस, 8 केसेस। रिमेंबर, देर आर 8 केसेस दैट यू कैन हैव। नंबर वन, तो यू कैन स्टडी इट अंडर दिस कंडीशन, सोर्स इज मूविंग, लिसनर इज स्टेशनरी, लिसनर इज मूविंग, सोर्स इज स्टेशनरी, बोथ आर मूविंग। अभी 8 केसेस कैसे बन गए, फिर मान लेते हैं कि सोर्स इज मूविंग, लिसनर इज स्टेशनरी। जैसे तुम लिसनर थे, गाड़ी आ रही थी, हॉर्न बजाते बजाते, करेक्ट। तो पहले केस में लिसनर स्टेशनरी, सोर्स इज मूविंग, दो चीजें हो सकती है, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स और सोर्स इज मूविंग अवे, दो केस बन गए। लिसनर इज मूविंग, सोर्स इज स्टेशनरी। फॉर एग्जाम्पल, तुम जा रहे हो कहीं पे, एक स्पीकर लगा हुआ था, तो तुम पहले स्पीकर के पास में जा रहे थे, मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है, तो लिसनर इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स। अब तुम उस स्पीकर को क्रॉस कर गए, तो लिसनर इज मूविंग अवे, तो 4 हो गए, बराबर, राइट। बोथ आर मूविंग, तो बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स इच अदर, या फिर बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम इच अदर, 6 हो गए, है ना। दो गाड़ी है, एक हॉर्न बजा रहा है, एक सामने से आ रहा है, सोर्स और लिसनर दोनों में, दोनों बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स इच अदर, या फिर बोथ आर गोइंग अवे फ्रॉम इच अदर। हो गए 6 केसेस, बचे 2। फॉर एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल रियल लाइफ में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमको, तो सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ ये। सपोज तुम वॉक कर रहे थे, तुम्हें दिख गया आगे तुम्हारा दोस्त है, तुमने उसको चिल्लाया, अरे रुक, हु इज नॉट योर फ्रेंड, हु इज सोर्स यू, तो सोर्स चेजिंग द लिसनर है ना, सोर्स लिसनर के पीछे है, उसको चेस कर रहा है, उसको पकड़ रहा है, पकड़ रहा है मतलब इट इज बेसिकली चेजिंग, फॉलोइंग, करेक्ट है ना, उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, सोर्स चेजिंग लिसनर हो गया, उल्टा भी हो सकता है ना, लिसनर चेजिंग द सोर्स, लिसनर चेजिंग द सोर्स, ये कब होता है बताता हूँ। बस चलनी थी, अपने तो आदत होती है, अब टाइम है, चलो नीचे थोड़ा आराम से फ्री एयर में खड़े रहेंगे, और ध्यान नहीं था, बस निकल गई, हॉर्न बजाते बजाते बस निकल गई, बस तो सो आगे भाग गया, तुम लिसनर हो, तुम पीछे भाग रहे हो उससे, तो हुई चेजिंग, वो लिसनर चेजिंग द सोर्स, तो 8 केसेस बनेंगे। नंबर 1, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, नंबर 2, सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर, नंबर 3, लिसनर मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, नंबर 4, लिसनर मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स, नंबर 5, बोथ मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, नंबर 6, बोथ मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, नंबर 7, सोर्स चेजिंग लिसनर और लिसनर चेजिंग सोर्स, ऐसे 8 केसेस हैं। उसमें से आप लोगों के लिए 6 केस इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 केस सिर्फ सीईटी जेडबल नीट में पूछते हैं, सीईटी में भी नहीं पूछते हैं, मोस्टली फॉर जेडबल नीट, तो एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे, विच एवर यू वॉन्ट द फर्स्ट। तो तुम बताओ, लिसनर स्टेशनरी करूँ कि सोर्स को स्टेशनरी करूँ? चलो लिसनर को स्टेशनरी कर दिया, लिसनर को स्टेशनरी कर देंगे। लिसनर का स्टेशनरी होने का सिंपल मतलब है VL is 0, क्योंकि तो लिसनर मूव ही नहीं कर रहा था, कौन मूव कर रहा था? सोर्स, तो सोर्स इज मूविंग, इसका मतलब ये होता है कि VS is not equal to 0। अब आ जाओ इस फॉर्मूला के स्ट्रक्चर पे, स्केलेटन पे, देखो एक चीज, सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, नंबर 1, इफ डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, बस यही इंपॉर्टेंट है, अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है ना, अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, तो मैंने आपसे पूछा, वो हॉर्न बजाते बजाते तुम्हारी तरफ आ रहा था, तो तुमको साउंड का फ्रीक्वेंसी कम सुनाई दिया कि ज्यादा? ज्यादा, तो जब डिस्टेंस कम होता है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ये हमेशा ओरिजिनल से क्या होता है? ज्यादा होता है, ऐसे होता है राइट? इसका मतलब एपरेंट अपॉन ओरिजिनल का रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है, तो जब डिस्टेंस कम हो, सोर्स और लिसनर में डिस्टेंस जब कम हो, तो रेशियो क्या आ रहा है आपका, क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 1। उल्टा, अगर डिस्टेंस इंक्रीजिंग है, तो अगर डिस्टेंस इंक्रीजिंग है तो क्या होगा, क्या होगा? एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, तो ये रेशियो क्या आएगा? लेस देन 1। सही है, पक्का, श्योर श्योर? अभी आ जाओ इधर, तुमने बोल दिया लिसनर स्टेशनरी, सही है, VL 0, तुमने बोल दिया सोर्स मूविंग, ये भी ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? N/N 0, VVL VVS, ऐसा था ना स्ट्रक्चर, लिसनर स्टेशनरी है तो ये क्या हो गया? 0। बराबर, अब डिसाइड करना पड़ेगा तुमको कि टुवर्ड्स की अवे, तो एक काम करते हैं, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स, सोर्स ये लिसनर के पास में जा रहा है, तो डिस्टेंस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है, डिस्टेंस जब कम होता है तो रेशियो ग्रेटर देन 1 आता है, रेशियो ग्रेटर देन 1 कब होता है? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा, ऐसे होता है ना, व्हाट इज 2/1? 2 ग्रेटर देन 1, व्हाट इज 4/2?
टू, व्हाट इज 4 अपॉन 3? 1.33. व्हाट इज 5 बाय 3? 1.66. तो जब जब न्यूमरेटर बड़ा हुआ, डिनोमिनेटर छोटा हुआ, तो रेशियो क्या होगा? ग्रेटर देन वन. जब डिस्टेंस कम हो रहा है तो रेशियो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन वन. उसमें से वी एल ओ जीरो था, तो तुम्हारे पास न्यूमरेटर में क्या बचा? वी. डिनोमिनेटर में क्या बचा? वी और वी एस. तो न्यूमरेटर को बड़ा करना है, मतलब डिनोमिनेटर को छोटा करना है, तो बीच में माइनस लिखोगे कि प्लस लिखोगे? व्हाट इज दिस वैल्यू? वन. सही है. न्यूमरेटर को बड़ा करना है, डिनोमिनेटर को छोटा करना है, ऐसा ही है. हाँ, तो फिर इसमें से कुछ माइनस करूंगा तो होगा ना. बराबर ना? सही है कि नहीं? हाँ, तो बन गया फॉर्मूला. तो क्या डिफिकल्ट था इसमें? अब दूसरा केस लेते हैं. लिस्टनर स्टेशनरी. लिस्टनर सुनने वाला, अपनी जगह पे बैठा है. बोलने वाला मूविंग है. पहले टू वर्ड दिया था, अब क्या लोगे? क्या लोगे? अवे. जब अवे होता है तो रेशियो क्या होता है? लेस देन वन. तो न्यूमरेटर बड़ा के डिनोमिनेटर बड़ा. बस हो गया. ऐसा याद रखते हैं इसको. अब करते हैं उल्टा. अब एक काम करते हैं, लिस्नर को मूवी बना देते हैं, सोर्स को स्टेशनरी बना देते हैं. सोर्स बन गया स्टेशनरी, लिस्नर बन गया मूविंग. और इसमें दो केस है, मूविंग टुवर्ड्स और मूविंग अवे. तो पहले मैं मूविंग टुवर्ड्स का केस देख लेता हूं. सबसे पहले जनरल स्ट्रक्चर क्या था? वी वी एल वी वी एस. इसमें स्टेशनरी कौन है? कौन स्टेशनरी है? तो वी एस की वैल्यू क्या होगी? जीरो. मूव कौन हो रहा है? लिस्नर टूवर्ड जा रहा है. तो डिस्टेंस कम होगा कि बढ़ेगा? डिस्टेंस कम होता तो रेशियो वन से बड़ा होता है क्या? यस, ऐसे होता है. और रेशो को मन से बड़ा होना, तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए कि डिनोमिनेटर? तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए कि डिनोमिनेटर? तो माइनस की प्लस? डन. गुड. उसके बाद फिर वही केस, सिर्फ इसमें हम लोग बोल देंगे अवे. अवे, मूविंग अवे. मूविंग अवे में रेशियो क्या होना चाहिए? लेस देन वन. रेशियो को लेस देन वन करने के लिए न्यूमरेटर छोटा कि बड़ा? माइनस. बराबर. और डॉपलर इफेक्ट डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि सही तरीके से सोचते नहीं हो, इसके लिए डिफिकल्ट लगता है. और क्लास में ध्यान नहीं होता है, वो तो है ही. वो तो हमेशा हर बैच का प्रॉब्लम है. दो तीन होते ही है जिनका ध्यान नहीं होता है क्लास में. यहाँ वहां मत देखो, यहाँ देखो. उसके बाद पांचवा केस, बोथ आर मूविंग. बोथ आर मूविंग, या तो टुवर्ड्स ईच अदर होगा या फिर अवे फ्रॉम ईच अदर होगा. टुवर्ड्स ले लेते हैं. टुवर्ड्स, टुवर्ड्स ईच अदर. जब दोनों एक दूसरे के पास में जा रहे हैं तो डिस्टेंस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है. तो डिस्टेंस जब कम होता है, वेल बाय द वे यहां पे कुछ भी जीरो नहीं है. तो जब डिस्टेंस कम होता है तो रेशियो ग्रेटर देन वन है. रेशियो ग्रेटर देन वन है तो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है. तो इधर प्लस, इधर माइनस. हो गया. गुड. उसके बाद बोथ आर मूविंग, बट दिस टाइम बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. बोथ मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. डिस्टेंस बढ़ना मतलब रेशियो कम होना. रेशियो कम होना मतलब न्यूमरेटर छोटा होना, डिनोमिनेटर बड़ा होना. बन गया करेक्ट?
अब दो केस बचे। सोर्स चेजिंग, लिसनर चेजिंग सोर्स, वो मैं फिलहाल डिस्कस नहीं करूंगा, वो रेडीमेड फॉर्मूला है, वो न्यूमेरिकल में आएगा और आएगा, आपको आएगा, तो मैं वो तब के लिए रखूंगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तब ज्यादा याद रहेगा आपको, तो वो भी बताऊंगा मैं फॉर्मूला, लेकिन अभी नहीं। अभी ये जो 8 फॉर्मूला बनने वाले हैं, जो 2 लिखे नहीं और 6 लिखे, इसमें से आपको सिर्फ 2 का डेरिवेशन एक्सपेक्टेड है। एक है सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर, एक है लिसनर मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर और लिसनर मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स, सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर एंड लिसनर मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स। तो ये 2 फॉर्मूला हमको डिराइव भी करना है, तो हम लोग पहला आज देखेंगे और कल मैं वापस रिपीट करूंगा वो, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। तो अब पहला फर्स्ट डेरिवेशन सोर्स मूविंग लिसनर स्टेशनरी, लेकिन सोर्स मूविंग अवे अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर, पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझ लो। लिसनर क्या है? स्टेशनरी है। तो एक काम करता हूं, ये एक लाइन ले लेता हूं मैं, यहाँ पे एक लिसनर और लिसनर स्टेशनरी है, हमारे पास एक सोर्स है, सोर्स ऑफ साउंड है जो मूविंग है और मूविंग अवे है, तो ये सोर्स ऑफ साउंड है एस, इट इज मूविंग अवे, गुड। ओरिजिनल डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर इज डी, क्लियर तक? अब और एक चीज समझ लो, जब तुम साउंड की बात करते हो तो साउंड एक कौन से टाइप का वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल की ट्रांसवर्स? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है कि कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन? ओके, वेरी गुड। पर प्रॉब्लम क्या है ना कि कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन को डायग्राम में दिखाने में थोड़े से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव को भी ट्रांसवर्स जैसा शो करते हैं। तो कंप्रेशन की जगह क्या लिखते हैं? क्रेस्ट। रिफ्रैक्शन की जगह क्या लिखते हैं? ट्रफ। बुक में भी लिखा होगा, नोट्स में भी लिखा होगा, लेकिन याद रखना साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, विच मीन्स देर आर कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। ओनली फॉर सिंप्लिसिटी वी राइट डाउन कंप्रेशन एज क्रेस्ट एंड रिफ्रैक्शन एज ट्रफ, बाकी कुछ नहीं। अब इमेजिन इमेजिन जब सोर्स ने पहला क्रेस्ट इमिट किया, ये पहला क्रेस्ट है, गुड। तो पहले क्रेस्ट को लिसनर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? अरे व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ स्पीड, व्हाट इज टाइम? तो पहले क्रेस्ट को, पहले कंप्रेशन को सोर्स से लिसनर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, बराबर, करेक्ट। तो जब जब सोर्स ने पहला कंप्रेशन इमिट किया था वो था S1 पे। अब याद रखना कि सोर्स मूविंग अवे है, तो सोर्स इज मूविंग अवे, तो ये जो एरो हेड मैं दिखा रहा हूं, ये एरो हेड है अवे का, सोर्स इज मूविंग अवे, अभी सोर्स अवे जा रहा है। अब सोर्स ने अपना दूसरा कंप्रेशन इमिट कर दिया, अब ये दूसरे कंप्रेशन को दूसरे कंप्रेशन को लिसनर तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है। देखो ऐसा है, सोर्स
साउंड जनरेट करते करते दूर जा रहा है। तो जब सोर्स ने पहला साउंड मतलब पहला कंप्रेशन जनरेट किया तो वो कहाँ था? F1 पे। तो पहले कंप्रेशन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ गया? डी। तो टाइम क्या आया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर सही है कि नहीं? जब सोर्स S2 पोजीशन पे पहुंचा, S2 पोजीशन पे पहुंचा, तब उसने सेकेंड कंप्रेशन जनरेट किया, सही है? तो सेकेंड कंप्रेशन को लिसनर तक जाने में कितना टाइम लगेगा? डेटू डी S1 S2 या डी डिस्टेंस और ये कितना? S1 S2। तो डी प्लस S1 S2 बराबर राइट। तो टाइम क्या रहेगा? इट विल बी द टाइम टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ गया उसको? हाँ, डी प्लस S1 S2 सही है, बराबर बराबर ना? थोड़ा सा गलत है, मतलब हाफ कंप्लीट है। क्यों? कभी भी याद रखो, मैंने तुमको क्या बोला कि कंप्रेशन मतलब कौन क्रैश, रिफ्रेक्शन मतलब कौन प्राप्त। तो क्या कोई भी वे में सिर्फ क्रैश लिमिट होता है? नहीं, क्रैश फिर ट्रफ फिर क्रैश, ऐसा ही होता है ना? मतलब कंप्रेशन फिर रिफ्रेक्शन फिर कंप्रेशन। तो पहले कंप्रेशन और दूसरे कंप्रेशन, मतलब पहले कंप्रेशन इमिट होने के बाद दूसरा कंप्रेशन इमिडिएटली इमिट हुआ था क्या? नहीं, तो टाइम लगा होगा। उस टाइम को तुम बोलते हो टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि क्रैश और क्रैश में डिस्टेंस कितना होता है? 1 वेवलेंथ, बराबर। तो कंप्रेशन कंप्रेशन में कितना है? 1 वेवलेंथ। आपको याद है आपने बोला था कि एक वेव को इमिट होने में जितना भी टाइम लगेगा उसको क्या बोलोगे? टाइम पीरियड। मतलब दो कंप्रेशन के बीच में जो टाइम लगा वो क्या था? टाइम पीरियड। तो टाइम टाइम फॉर द इमिशन ऑफ फॉर द इमिशन ऑफ सेकेंड कंप्रेशन राइट, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अभी वापस इसको इमेजिन करो, इमेजिन करो, पहला कंप्रेशन पहुंचने में टाइम लगा डी बाई वी, दूसरा कंप्रेशन पहुंचने में एक को S2 से लिसनर तक आना पड़ेगा, वो टाइम लगेगा, मतलब डी प्लस S1 S2। एडिशनली पहले कंप्रेशन के बाद दूसरे कंप्रेशन को इमिट होने में जितना भी टाइम लगा होगा वो भी ऐड करना पड़ेगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल, पहला कंप्रेशन इमिट हुआ, उसके 2 सेकंड के बाद दूसरा कंप्रेशन इमिट हुआ, तो वो 2 सेकंड भी ऐड करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं पता है? T0, टाइम पीरियड। क्लियर? प्लस व्हाट इज द टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस? डी प्लस S1 S2। लेकिन ये S1 S2 मतलब कितना डिस्टेंस? अगर सोर्स का स्पीड कितना है? Vs। व्हाट इज द डाइमेंशंस ऑफ डिस्टेंस L1? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम? वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी क्या होता है? L1 T-1। टाइम क्या होता है? T1। तो L1 T-1 और T1 कितना हो गया है? अरे बाप रे, मीटर पर सेकंड को मैं सेकंड से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा हूं तो क्या आएगा? मीटर आएगा। मतलब मीटर क्या होता है? डिस्टेंस होता है क्या? यस। तो मैंने तुमको पूछा कि S1 से S2 तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो तुमने बोलना चाहिए था वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी सोर्स पर कितना था? यस। टाइम कितना लगा यहां से यहां तक आने के लिए? T0। क्यों T0? क्योंकि पहले क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट के इमिशन में कितना टाइम है? T0। उतने ही टाइम में
ये आगे बढ़ गया कि नहीं। अभी मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, उधर ध्यान दो। मैं सोर्स हूँ, मैं वर्ड इमिट कर रहा हूँ। मैंने जब पहला वर्ड इमिट किया तब मैं S1 पे था। जब मैं दूसरा वर्ड इमिट करूंगा तो मैं कितने डिस्टेंस पे हूँ? S2 पे हूँ, बराबर, सही है ना? पक्का? तो मैंने S1 और S2 में, S1 से S2 में आने में कितना टाइम लगाया? उतना ही टाइम जितना मैंने दो वर्ड इमिट करने में लगाया, है ना? तो सोर्स S1 से S2 तक जाने में कितना टाइम लगाएगा? T0, क्योंकि सोर्स ने पहला कंप्रेशन कहाँ इमिट किया था? S1 पे। दूसरा कहाँ कर रहा है? S2 पे। तो व्हाट इज द टाइम फॉर द सोर्स टू गो फ्रॉम S1 टू S2? T0। हाउ डू यू फाइंड आउट डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड किसका? सोर्स का इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया S1 S2? कितना है? कितना है? VST0। तो इसको क्या लिखना चाहिए? मैंने VST0। आया ध्यान में? पक्का सही है? अब ऐसा समझो कि जब इस फोर्स ने अपना तीसरा कंप्रेशन इमिट किया था तो वो S3 पे था। अब मेरे को बताओ व्हाट इज द टाइम टेकन बाय थर्ड कंप्रेशन टू रीच द लिसनर? ये रियल प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स है। जब तक तुम इमेजिनेशन नहीं बढ़ाओगे नो वन कैन हेल्प यू। सोच ही नहीं रहे हो तुम। चलो तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, तो फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। सपोज जब पहला कंप्रेशन इमिट हुआ तब मैंने घड़ी चालू की तो टाइम 0 था। जब दूसरा कंप्रेशन इमिट हुआ तब 2 सेकंड हो गए थे, बराबर, और हर बार दो कंप्रेशन में सेम टाइम होगा, पीरियोडिक है ना ये? तो जब दूसरा कंप्रेशन इमिट हुआ तो कितना टाइम हुआ था? 2 सेकंड। तो तीसरा इमिट होगा तो कितना टाइम हुआ होगा? 4 सेकेंड, बराबर बराबर। सपोज जब पहला कंप्रेशन इमिट हुआ 0 था, जब दूसरा हुआ तो 3 सेकेंड था, तो तीसरे के टाइम पे कितना हुआ होगा? 6 सेकेंड। वेरी गुड। जब पहला इमिट हुआ तो 0 था, जब दूसरा इमिट हुआ तो T0 था, तो तीसरे के टाइम कितना हुआ होगा? मैंने बोला पहला कंप्रेशन इमिट हुआ 0 सेकेंड, दूसरा 2 सेकेंड, तुमने बोला तीसरा 4 सेकेंड। मैंने बोला पहला 0, फिर 3, तुमने बोला उसके बाद का 6। मैंने बोला पहला 0, दूसरा T0, तीसरा बताओ। तो सोच रहे हो 2T0। कितना? 2T0। वेरी गुड। तो तीसरे कंप्रेशन को लिसनर तक पहुंचने में टाइम लगेगा पहले तो 2T0, क्योंकि 2T0 टाइम के बाद वो इमिट हुआ है। अब यहां से वहां जाना है, यहां से वहां जाना है, तो यहां से वहां जाना है तो डी प्लस, ये डी तो है ही। अब बताओ ये कितना है? 2, क्योंकि ये VST0, तो ये भी कितना होगा? VST0 तो कितना हो गया? 2VST0। अब मेरे को कौन बताएगा T4 क्या आएगा? हाँ, 3T0 प्लस 3 प्लस 3VST0 आए। तो मेरे को कौन बताएगा कि TP क्या होगा? इधर 4, इधर 3। हाँ, P-1 सही है। तो अगर मैं इधर P+1 लिखता हूँ तो क्या आएगा? P T0 प्लस D प्लस P VS T0 by B, बराबर, राइट? अब इसके आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि टाइम हो गया। अब